हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज है सैटरडे एंड यू नो व्हाट, अभी मैं नहा के आके मेरा पूजा पाठ हर चीज हो गया। और ये देखिए यहाँ पे मैं कर रही थी पाठ, बिकॉज मैं एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे को मैं पाठ करती हूँ सुंदरकांड का। तो मेरा पूजा हो गया और बहुत लेट हो गया, बिकॉज सुबह में ना बहुत ज्यादा काम हो जाता है। और आयांश का आज छुट्टी भी था स्कूल में, बिकॉज आज है गणेश चतुर्थी, तो इसलिए आयांश का छुट्टी था। और पता है आज मेरे को नहा के खाना था, बिकॉज कल संडे है और मैं संडे का फास्ट ले रही हूँ। एक्चुअली भादो महीना में जो संडे आता है ना, मैं वो संडे को व्रत लेना चाह रही थी, तो मैं कल लूंगी। एक्चुअली मेरा आयांश के लिए प्रे था कि मैं पूरे मंथ का लूंगी। तो मैं लास्ट ईयर ली थी या नहीं मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है। एक ली थी मैं, वो तो मुझे याद है, वो लास्ट ईयर था, उससे पहले था मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है। तो मुझे 99% लग रहा है कि मैंने पूरा भादो महीना का, पूरा मंथ का, मतलब जितना जैसे पांच होता है ना, पांच या चार, तो मैंने सारे फास्ट किया था, मुझे याद 99% है। बट 1% मेरे को कंफ्यूजन है कि मैं की थी या नहीं की थी सारे फास्ट। तो इसीलिए इस बार तो निकल गया, सिर्फ अब दो बचे हैं तो मैं एक ले रही हूँ। और कमिंग ईयर जो है, मैं पूरा भादो मंथ में जितना भी फास्ट होता है ना, मतलब पांच हो या चार हो, तो पूरा मंथ का मैं फास्ट लेने वाली हूँ नेक्स्ट ईयर, बिकॉज कंफ्यूजन है। तो इसीलिए, और जहां बात आता है आयांस का, देन देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। तो इसीलिए, और आज के दिन ना नहा के खाना होता है और लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना होता है। तो हम आज हमारे घर में खाना भी बहुत ही प्योर तरीका से बना है। और अभी मुझे जाना है एक बार नीचे, बिकॉज कल था चौरचन, और चौरचन का प्रसाद लेने के लिए एक दीदी बुला रही है नीचे। कॉल की थी सुबह की लेके जाओ, बट मैं जा ही नहीं पाई बिकॉज मैं काम में बिजी थी। और बताया कल ना यहाँ पे ना मेरे हमारे घर में ना नहीं होता है चौरचन पूजा, तो मुझे ना बहुत मन था कि मैं खाऊं प्रसाद कहीं से मिल जाता तो मैं खाती। बट फिर सोची यहाँ पे तो कोई देता नहीं है, क्योंकि ना ज्यादातर लोग का गांव में ही होता है, इधर सब रहता है, घर वर बना के है, सब लोग घर है अपना, सबको ऐसा नहीं है। बट ज्यादातर का ना सास ससुराल मतलब गांव में होते हैं, या फिर यहाँ पे जेठानी देवरानी है तो फिर उनका गाँव में ही हो जाता है, वो लोग गाँव चले जाते हैं सेलिब्रेट करने, और हमारे में तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए ना प्रसाद भी लास्ट ईयर नहीं मिला था, बट इस ईयर दीदी ने बुलाया है तो मैं अभी डेफिनेटली जाऊंगी। बिकॉज और मैं मेरे को खाने का मन था, और देखिए मेरे को प्रसाद के लिए बुला ली, बिकॉज पता है मेरा ना यूजुअली क्या होता है, मैं जो भी चीज सोचती हूँ चाहती हूँ ना, वो मेरा पूरा हो जाता है। रेयरली कोई कोई चीज है जो कि नहीं हुआ है, बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरा पूरा हो जाता है। तो मैंने सोचा और मेरे को बुला रही है दीदी, सो आई एम वेरी हैप्पी। और कल है मेरा फास्ट, तो चलिए मैं कल मिलती हूँ, या फिर अभी शाम में अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं फिर से आप सबसे बात करती हूँ। बाय बाय, गुड मॉर्निंग गाइज एंड हाई हेलो। तो आज है संडे और आज है मेरा फास्ट, तो संडे को तो क्लास छुट्टी होता है, तो मुझे अच्छा ही हो गया। आज सुबह सुबह मेरा पूजा पाठ हो गया और मैंने पूजा कर लिया है। और ये है हमारा मंदिर और ये पीछे है मेरे हनुमान जी, और मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। वैसे मैं सब भगवान को मानती हूँ, बट हनुमान जी को स्पेशल, मेरे स्पेशल गॉड है वो। और यहाँ पे मैं दिया जला रखी और ये है माता रानी। और यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था मेरा, तो आयांश खा रहा है बेड पे बैठ के आराम से प्रसाद, क्योंकि इसको चीनी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एप्पल में चीनी डाल रखा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो पूजा पाठ हो गया है और आज मैं सरस्वती चालीसा पढ़ी हूँ और हनुमान चालीसा। सरस्वती चालीसा और हनुमान चालीसा पता है मैं रोज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि ये पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगता है बस, या फिर 4 मिनट ले लीजिए, तो ये मैं डेली पढ़ती हूँ। बाकी मैं सुंदरकांड का पाठ सैटरडे और मंडे ट्यूजडे करती हूँ, तो पता है वो ना मैं नीचे बैठ के करती हूँ और मैं हॉल में करती हूँ, क्योंकि हमारा भगवान जो है ना ऊपर है हाइट पे, तो रूम में भी वैसे बैठ के पाठ कर सकते हैं, इतना स्पेस है, काफ़ी स्पेस है। बट मैं हॉल में इसलिए करती हूँ क्योंकि आयांश मेरे आसपास खेलते रहता है और हॉल में बड़ा ऐसा स्पेस है, तो वो आराम से खेल लेता है, तो रूम में उसको कंजेस्टेड होता है और फिर वो कभी मुझे परेशान करने लगता है या फिर चोट वोट लग जाएगा, ये सोच के मैं हॉल में हमेशा पाठ करती हूँ, जब भी सैटरडे और ट्यूजडे को करती हूँ। बाकी आज मैंने रूम में ही किया क्योंकि आज बस 4-5 मिनट का पाठ था। और आज है गणेश चतुर्थी का गणेश विसर्जन, क्योंकि गणेश चतुर्थी था ना, तो आज उसका विसर्जन होने वाला है, हो रहा है। तो मेरी मम्मी गई है उधरे, क्योंकि मम्मी की कोई फ्रेंड है, उन्होंने इनवाइट किया था, तो मम्मी चली गई उधर। और मैं अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में साबूदाना का खीर, क्योंकि मम्मी चली गई तो मम्मी बनाती थी, लास्ट ईयर भी मम्मी बनाई थी, बट इस ईयर मैं ही बनाऊंगी क्योंकि मम्मी गई, बट पता नहीं उनको टाइम मिलेगा या नहीं। और रात में आएगा बाहर से खाना, क्योंकि आज मेरा फास्ट होता है, तो रात में मैं खाना बनाती नहीं हूँ, तो ये खुद ही बोलते हैं कि मैं बाहर से ले आऊंगा, नहीं तो
कोई नहीं। और आज मैं मेरे को पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, बिकॉज जब मैं फास्ट में रहती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ एनर्जी सेव करूँ, क्योंकि मुझे आयंस को संभालना होता है ना, इसलिए वैसे वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन उसको पढ़ाना पड़ेगा आज। बहुत सी चीज़ हो जाता है क्या, परेशान नहीं भी करता है तभी, और बीच बीच में तो उसका मूड वैसे स्पॉइल होते ही रहता है। तो इस तरह से मेरा हो रहा है पूजा पाठ आज का, और आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ करती हूँ आजकल, मतलब इसलिए क्योंकि ये फास्ट हो गया, वरना मेरा यह पाठ वगैरह तो हमेशा चलते ही रहता है। और पता है मुझे सरस्वती चालीसा पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मतलब मैं डेली रेगुलर बेसिस पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ती हूँ, और हनुमान चालीसा मेरा डेली, आज से नहीं बहुत पहले से। और सुंदरकांड का पाठ तो मैं मेरे शादी से पहले से पढ़ रही हूँ, लगभग आप ले लीजिए 4 साल, 4 साल 8 9 साल से मैं पढ़ रही हूँ, पता है। और पहले तो और 3 बार पढ़ती थी, क्योंकि अभी मुझे सुंदरकांड करने में ज़्यादा तो नहीं, बट फिर भी कितना 30 35 मिनट लग ही जाता है, पहले तो 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था, बट अब मुझे पूरा याद ही हो गया, पूरा मान लीजिए 90% लगभग याद हो गया है, तो मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये थोड़ा पाठ लंबा होता है, क्योंकि बुक बहुत थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें पेजेस, बुक तो पतला है बट उसमें पेजेस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में साबूदाना का खिचड़ी बनाते हुए, बाय गाइस। तो ये है साबूदाना जो कि रात में मम्मी भींगने के लिए दे दी थी, और ये फ्रीज में डाल रखा था हमने, और यहाँ पे दूध भी है, पैकेट अभी अभी आया है। तो ये रहा साबूदाना का खीर जो कि मैंने बनाया है, और इसमें ना मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल सा चीनी डाल के बस बनाया, क्योंकि जब मैं फास्ट वाला बनाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ बस इसमें ज़्यादा कुछ ना डालो, एकदम से प्योर सा बना के खाओ। हो गया ना, ऐसे पकड़ते हैं पेंसिल, ठीक है। लो चलो ए में सर्कल करना है, रुको रुको थोड़ा और ऊपर करो तब सही होगा। हाँ लो ए में सर्कल करना है, ये वेरी गुड। अब इस लाइन में भी ए में सर्कल करना है, वेरी गुड। अब इस लाइन में भी ए में सर्कल करना है, ए ढूंढो ए, वेरी गुड। अब इस लाइन में भी ए ढूंढो, इस लाइन में ए कहाँ है? हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, हो गया। इस लाइन में छूट गया बेटा, इस लाइन में ए ढूंढिए, इस लाइन में नीचे नीचे करना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, हो गया, उतना ज्यादा सर्कल नहीं करना। अब लास्ट में भी ढूंढो, यहाँ पे भी एक ए छूट गया है, इस लाइन में ए ढूंढो, वेरी गुड। अब इस लाइन, उतना ज्यादा नहीं बेटा, लो अब इस लाइन में ए छूट गया, ए को ढूंढो, वेरी गुड। अब इस लाइन में ए छूट गया है, ए इस वाला लाइन में ए, ए कहाँ है इस लाइन में? इस लाइन में, इस लाइन में ए कहाँ है? उधर तो हो गया, इस वाला लाइन में देखो ना, इस लाइन में। गाइस पता है मेरे को बहुत से सर्टिफिकेट मिला है एफईए में, मैं बहुत खुश थी कि मैं इतना ज्यादा सर्टिफिकेट मेरे को मिला है, लेकिन पता है मेरा आज जीत हुआ है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, मेरा आयांश ने खुद से सर्कल भी बनाया, और पता है इसने ना लिखा, मतलब आइडेंटिफाई किया लेटर को, वैसे इसको लेटर आइडेंटिफाई करने पहले से आता था, ये जैसे मोबाइल में देखता था, टीवी में देखता था ना, देखता था ना, तो ये बैनर वगैरह देते थे, पढ़ता था ए बी सी डी ऐसे करके ना, ये बोल लेता था। लेकिन पता है इसने आज फर्स्ट टाइम सर्कल किया। 8 10 दिन पहले मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि ये ना पेंसिल कब पकड़ने सीखेगा, क्योंकि ये पेंसिल ना ऐसे पकड़ लेता था ऐसे, तो मैं फिर सोची मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, पकड़ लेगा उतना, क्या मैं सीरियस हो रही हूँ, लेकिन ये गलत पकड़ा था तो मुझे टेंशन हो रहा था। फिर मैंने सोचा, और फिर मैं टेंशन में थी कि ये पता नहीं कब लिखेगा, कितना टाइम लगेगा लेटर को सीखने में, कोई भी चीज लिखने में। फिर मैं सोची बच्चे का दिमाग ना हमसे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, स्मार्ट होता है, कोई भी चीज ना जल्दी ग्रैब कर लेता है बच्चा, तो ये जरूर कर लेगा जल्दी। पता है मैं इसको 2 साल का एज था ना, तभी मैं इसको स्कूल भेजी थी, बहुत छोटा था उस वक्त, ये सिर्फ खेलने के लिए जाता था स्कूल में, और अब 3 ईयर प्लस हो गया, तो अब तो ये लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, तो मैंने ये सोचा था, इसीलिए ना सिर्फ मैं लगभग 15 20 दिन ले लीजिए, 15 20 दिन से ना मैं इसको प्रॉपर टाइम लेके ना पढ़ा रही हूँ, डेली शाम में 2 घंटे 2.5 घंटे, 15 20 दिन ले लीजिए, 15 20 दिन लिखाने का काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम तो मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, मतलब 1 1.5 साल से कर रही हूँ इसको, ओरल एबीसीडी जे तक, 1 2 व्हीकल का नेम तो लगभग 15 20, एनिमल का नेम, एनिमल का साउंड, ये सब चीज ओरल बहुत चीज मैंने इसको सिखाया है, राइम्स वगैरह, लेकिन लिखने का काम ना मैं ये सिर्फ 10 15 दिन से कर रही हूँ, और फाइनली 10 15 दिन के बाद ही इसका रिजल्ट ये है कि इसने लिखना शुरू कर दिया है, और मैं इतना खुश हूँ ना, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना खुश हुई हूँ। और फिर मेरे डैडी बोलते थे कि जब तुम एजुकेटेड होगी ना, तो बच्चे तुम्हारे आसपास, तुम हर किसी को एजुकेट कर सकते हो, और आज फाइनली मेरा ये रियल जीत है। मेरे को तो सर्टिफिकेट मिला नहीं, क्योंकि अब मेरा एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा आयांश का एजुकेशन है,
born today. I am very happy. I have to chicken and mama go. I love you. Hey everyone. टाइम हो रहा है रात के 11 और मैं खा रही मोमोज बिकॉज अभी ये लोग कैफे से आए मेरे लिए मम्मी मोमोज ला दी और खाना मेरा बन गया है और फास्ट खाना तो मेरे को कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था तो इनको बोली थी चटपटा सा खाना है तो ये गए थे रोल लेने फिर इनका क्लाइंट सब था उस रेस्टोरेंट में फिर ये लिए नहीं क्योंकि रोल ना हमारे कैफे में नहीं बनता है बाहर से लाना पड़ता है तो फिर ये मेरे लिए मोमोज सॉरी पानी पूरी ला दिए थे और अभी मम्मी लेके आई ये और बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा था बिकॉज मैं कभी फास्ट नहीं लेती हूँ मतलब रेयरली लेती हूँ जैसे बरसात हो गया मधुश्रावणी हो गया तो मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा था और कुछ चटपटा सा खाने का भी मन कर रहा था फाइनली मेरा फेवरेट मोमोज आ गया और अभी ये सब लोग मार्केट गए हैं क्योंकि पता है दिल्ली में रात के 12-1 बजे तक मार्केट लगता है 12-1 बजे तक होता ही है तो आराम से गया गाड़ी देने बिकॉज उसको ना एवरी वीक एक या दो टॉय चाहिए होता है चाहे वो छोटा गाड़ी ले बड़ा गाड़ी ले तो शाम से ही ना अपना चप्पल पहन कर रेडी था चप्पल मामा मार्केट ट्रेन तभी से बोल ही रहा था तो अभी गया वो लेने के लिए और चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पे करती हूँ मैं एंड बाकी मैं खाती हूँ मोमोज और मोमोज खाने के बाद मेरे को खाना खाने का भूख नहीं रहता है. Bye-bye, see you in my next video.